चलिए बहुत बढ़िया है सर, बैठिए बैठिए सर। बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया। चलिए बढ़िया है सर। और प्लान देखा तो बहुत अच्छा था, लेकिन मैं बस कुछ दिन बाद करूँगा। जी सर, आप बिल्कुल समय ले सकते हैं। जी जी सर। और आप एक दिन, दो दिन, पांच दिन नहीं, बल्कि और ज्यादा आप समय लेने का अपने तरफ से ले सकते हैं सर। जी जी लेकिन यही है कि जितना ज्यादा अगर आप समय लेते हैं इस बिजनेस में खास करके, तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। नुकसानदायक का मतलब ये है कि इस बिजनेस में कौन व्यक्ति कब आ जाएगा और कितना अच्छा काम कर सकता है, ये कोई जानता नहीं है। तो इसलिए आप जो है जल्दी से जल्दी शुरुआत करें। और इस बिजनेस में ये भी देखा गया है कि कोई व्यक्ति जो है जो लेट कर सकता था, उसने लेट किया और उस बीच में अच्छे अच्छे लोग आए हुए हैं और वही व्यक्ति काम कर गए हैं, है ना। और किसी भी व्यक्ति को मापने का कोई पैमाना नहीं है कि कौन व्यक्ति कैसा काम कर जाएगा सर, है ना। तो आप जैसे ही इस बिजनेस को शुरुआत करते हैं तो एक फॉर्म होता है सीनियरिटी फॉर्म, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, यानी आपका एक जगह फिक्स होता है। और उसके बाद में जो व्यक्ति आना शुरुआत करते हैं, हो सकता है कि आप ना करें, लेकिन आपका जो कोई सीनियर होगा वो व्यक्ति के माध्यम से भी आपके नीचे में जो लोग आते हैं तो वो व्यक्ति का भी फायदा आपको मिल सकता है। हो सकता है वो व्यक्ति अपने लिए अगर 1 लाख कमाना चाहे तो आपको 2 लाख कमाने का वो लगातार मौका देता है, है ना। बाकी मेरे तरफ से आप जल्दी शुरुआत करेंगे तो आपको फायदा होगा और इसका बेनिफिट आपको जल्दी शुरुआत करने में ही होगा, है ना। तो जल्दी आप शुरुआत करिए। ठीक है सर, मैं शुरुआत तो करूंगा लेकिन थोड़ा परिवार के संबंधित। अच्छा, तो ठीक रहेगा। बहुत अच्छा बात बोले हैं सर। और मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं भी जब बिजनेस शुरुआत किया था तो यही सेम सवाल मेरे भी दिमाग में आया, लेकिन जिन्होंने मुझे प्लान दिखाया था फिर उन्होंने मुझे अच्छे तरीके से समझाया कि आरके यादव जी, आप भी किसी से राय ले सकते हैं मम्मी पापा से, लेकिन उनको इस बिजनेस के बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं है, ठीक है ना। और सलाह कहा जाता है कि उसी व्यक्ति से लेना चाहिए जो उस क्षेत्र में जानकार होता है। अगर सब्जी के बारे में, जो सब्जी रखता है उसके मोबाइल के बारे में पूछा जाए तो उससे जानकारी नहीं होगी सर। नहीं, एक मोबाइल वाले से अगर मेडिसिन के नाम के बारे में पूछा जाए तो उससे जानकारी नहीं होगी सर। नहीं, है ना। तो जो व्यक्ति सही है, एक डॉक्टर ही सही इलाज की जानकारी वो दे सकता है, सही बीमारी वही बता सकता है सर। एक नॉर्मल सा आदमी या ऑटो चलाने वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति के बीमारी के बारे में नहीं बता सकता है, है ना। आपके घर में, परिवार में आप अपने तरफ से पूछ सकते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप पूछेंगे तो वो इस बिजनेस को नहीं जाने हैं सर, है ना। तो वो आपको आमतौर पर, मैं बिजनेस भी कर रहा हूँ सर और मुझे करते हुए लगभग 2 साल भी हो गए हैं, तो हमने ये भी देखा है कि आमतौर पर जो लोग पूछते हैं तो लगभग 99% लोग घर में मना नहीं करते हैं, क्योंकि वो लोग नहीं देखे हैं सर। और आप यहाँ आज मौजूद हैं और आप आज देखे भी हैं कि बहुत सारे लोग और हर क्षेत्र के लोग इस बिजनेस में कर रहे हैं, कामयाब भी है सर। और मुझे भी आप देखें कि मैं नौकरी छोड़ करके कर रहा हूँ, तो ये प्रूफ है जो वो लोग नहीं देखे हैं सर, है ना। मैं बता रहा हूँ सर, मेरे पापा घर में मैंने पूछा और उन्होंने मना कर दिया सर। और लेकिन मेरे भैया ने कुछ समझाया और जो बिजनेस कर रहे थे उन्होंने मुझे समझाया, मुझे बिलीव हुआ और मैंने परिवार से बिना पूछे हुए बिजनेस को शुरुआत कर दिया और उसका फायदा जो है आज मिल रहा। मैंने एक चीज सिर्फ सोचा सर कि अगर मैं बिजनेस को अगर नहीं करता, सिर्फ मेरा सिर अगर ऐसे हिल गया होता तो आज मैं ऐसे नहीं होता। अगर मैं ये बिजनेस नहीं करता हूँ तो मेरा कुछ मतलब बहुत कुछ जा सकता है, बहुत कुछ आ सकता है मेरे पास में। लेकिन अगर मैं बिजनेस कर लेता हूँ तो बहुत कुछ आ सकता है, नहीं करता हूँ तो मेरा जाने के नाम पे कुछ है नहीं सर। और नहीं भी करता अगर मान लीजिए ये बिजनेस, तो आज मैं भी कहीं हथियार लेकर के ड्यूटी कर रहा होता सर। तो मैंने, मेरा सिर ऐसे नहीं घूमने के बजाय ऐसे घूम गया और उसी के बदौलत आज जो कुछ भी मैं बोल पा रहा हूँ सर, और सब भगवान की कृपा से होते जा रहा है। तो बढ़िया है सर। आप मैं तो यही बोलूंगा कि जो लोग इस बिजनेस में सफल है उनसे राय लेकर के और हम लोग फिर शुरुआत करते हैं। चलिए सर, शुरुआत तो करेंगे लेकिन अभी पैसे नहीं है मेरे पास। बिल्कुल सर, ये तो मतलब कहा जाए तो और भी अच्छा है आपके लिए कि आपके पास में पैसे मान लीजिए नहीं है,
तो ये बिजनेस आपके लिए ही है सर जी, क्योंकि अगर पैसा रहता तो क्यों कोई काम जरूरत है सर, है ना। पैसे नहीं है अगर आप ये बोल रहे हैं, इसका मतलब कि ये बिजनेस आपके लिए ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पैसे के लिए ही हम इस बिजनेस को कर रहे हैं सर, है ना। और दूसरी बात है कि मान लीजिए अभी पैसे नहीं है और नौकरी भी करते हुए आपको बहुत दिन हो गए, तो अभी तक पैसे नहीं है तो क्या ऐसा जरूरी है कि आगे आने वाले समय में आपके पैसा पास में पैसा हो ही जाएगा सर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, है ना। और अभी तक पैसा है नहीं, इसका मतलब आपको कुछ और अलग हट करके कुछ करने की जरूरत है सर, है ना। और ये एक रास्ता मिला हुआ है जहाँ से हम एक आम आदमी को, अच्छा ये देखा जाए तो इस बिजनेस में बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं लग रहा था, 50,000, 1,00,000, 2,00,000 ऐसा नहीं लग रहा, एक छोटी रकम जो आप मतलब अगर जुगाड़ कर रहे हैं तो वो रकम प्राप्त कर सकते हैं, 7,000-8,000 रुपया कोई बहुत ज्यादा नहीं होता सर। अगर दोस्त से यार से कहीं भी काम पड़ता है तो हम लोग लेते ही हैं, लेकिन यहाँ जीवन बदलने का, अगर मान लीजिए बीमार हो जाते हैं सर तो क्या किसी से हम लोग नहीं मांगना पड़ता है। तो हम लोग एक बार अगर यहाँ पे ले लेते हैं तो आगे हमारी गरीबी वाली जो दुख पीड़ा है वो यहाँ से दूर हो सकती है। और ये एक ऐसा अमाउंट है जहाँ से जुगाड़ करने से हो सकता है सर, है ना। बस यही है कि सपना होना चाहिए, और करने वाले लोग तो 4-5 लाख भी अगर पुलिस की भर्ती के लिए जुगाड़ करना हो, कंफर्म हो, पक्का हो कि पुलिस में हो ही जाएगा, तो लोग जुगाड़ कर ही लेते हैं सर, है ना। तो बढ़िया है, और आप इंतजाम करिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन का समय लेकर के इंतजाम करिए और आप शुरुआत करिए सर, हम लोग मिल करके और अच्छे से काम किया जाएगा। चलिए बढ़िया सर, शुरुआत तो करेंगे, लेकिन बहुत सारी कंपनियां आई और गई और ये भी भाग जाए तो। हाँ देखिए सर, सवाल जायज है आपका, और आमतौर पे पिछले दिनों में देखा गया है तो बहुत सारी कंपनियां जो है वो गई भी है। एक्चुअली गई क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खुद काम नहीं करते हैं और ये बोलने लगते हैं कि वो कंपनी कहीं चली गई। पहला चीज तो ये होता है सर, है ना, वो जानते नहीं है कि उनका कंपनी फिर भी काम कर रही है। और देखा जाए तो कंपनियां बहुत सारी आई और गई जैसा आप बोल रहे हैं सर, तो उसमें देखा जाए कि कौन सी कंपनियां चली जाती हैं, तो उसमें नाम निकल करके आता है चिट फंड। चिट फंड एक ऐसी प्रकार की कंपनी होती है जो पैसा जमा करने का होता है और आदमी को लालच देती है और उस लालच में आदमी आ जाता है सर। जैसे क्या होता है कि आपको ये बोला जाए कि आप 1,00,000 रुपया लगाइए और 3 महीने के बाद में हम आपका पैसा डबल कर देंगे, और व्यक्ति जो है लालच में आ जाता है और वो जो है पैसा अपना लगा लेता है सर, है ना। तो ऐसे में उस व्यक्ति का पैसा लेकर के भाग जाता है और वो आदमी फिर परेशान होता है। इस बिजनेस में सबसे अच्छी बात ये है कि इस बिजनेस में आपका पैसा कुछ इन्वेस्ट नहीं हो रहा, कहीं आप लगा नहीं रहे हैं, कोई ज्यादा पैसा आदमी नहीं लगा रहे हैं। इस बिजनेस में आपका जीरो इन्वेस्टमेंट है सर, इस बिजनेस में आप इन्वेस्टमेंट भी नहीं मान सकते हैं, आप इसे परचेजिंग मानते हैं कि आप एक बार पैसा देते हैं और उसके बदले में आपको उसका प्रोडक्ट यानी उतने का आपको सामान मिल जाता है, यानी आपको रिस्क नहीं है सर कुछ भी। पहली बात तो है ना, जैसे अगर एक दुकान है वहां से अगर हम पेन लेते हैं, पैसा दिए और उसका हमें पेन मिल गया, और बाद में अगर कुछ दुकान को हो भी जाता है तो हमारा तो कुछ गया नहीं, पैसा दिए सामान मिल गया नहीं। और दूसरी बात एक चीज और हम लोग देखा जाए कि आखिर कंपनियां जाती भी हैं या बंद होती हैं तो कौन सी होती हैं, कि कंपनियां वो जो जिनका बहुत सारा पैसा जिनके पास में लोगों का इकट्ठा हो जाता है, वो कंपनियां का भागने का बहुत ज्यादा चांसेस रहता है। और इस बिजनेस में क्या होता है कि कंपनी के पास में पैसा लोगों का इकट्ठा नहीं होता है, ये कंपनी 1 से 2 सप्ताह के बीच में आपके घर पे वो प्रोडक्ट पहुंचा देती है, और साथ ही आपका जो रिफरल कमीशन बनता है वो आपको 1 ही सप्ताह के अंदर में आपके घर में पहुंचता है, पैसा इकट्ठा होने का चांसेस नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि अभी तक जो भी कंपनियां भागती हैं या बंद होती हैं, ये देखा गया है कि वो 2 से 3 साल में वो कंपनी जो है वो बंद हो जाती है सर, और वो पैसा इकट्ठा करके कहीं चली जाती है। लेकिन इस बिजनेस को लगातार आज 17 साल हो रहे हैं, सन 2000 से इस बिजनेस को शुरुआत हुआ, ISO द्वारा प्रमाणित भी है, और January 2001 में कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत है, यानी भारत सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड है। और
2-3 साल 5 साल की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं लगातार 17 साल से इस बिजनेस को, इस कंपनी को एक अच्छे टर्नओवर के साथ में काम करते हुए। और आप बताइए सर, इस बिजनेस में हेड ऑफ के डायरेक्टर जो है वो बुद्धिमान है, वो लोग पैसा आगे कमाना चाहते हैं और लगातार यहाँ से अच्छा टर्नओवर हो रहा, पैसा अच्छा आ रहा है। तो कोई भी व्यक्ति जब लगातार अच्छा इनकम आता है तो वो अपने बिजनेस को बंद नहीं करना चाहेगा, वो लगातार फायदा लेना चाहेगा। और डायरेक्टर लोग समझदार है सर, वो लोग भी लगातार फायदा लेते हुए आ रहे हैं सर। और मैं बात करूँ तो ये कंपनी अपने आप में विश्वसनीय है और बहुत सारे लोग यानी लाखों लोग इस बिजनेस में कर रहे हैं, हजारों लोग जो है गाड़ियां ले चुके हैं और सैकड़ों लोग जो है नौकरी को छोड़ करके फुल टाइम इस बिजनेस को कर रहे हैं, यानी विश्वास के पात्र है सर। तो बढ़िया है और एक विश्वास भी है जो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो विश्वास कहीं नहीं है और विश्वास किया जाए और काम किया जाए, काम करने से सर पैसा आएगा। तो यहाँ पे मेहनत करने से पैसा आता है, हम आपके साथ में हैं, मिल करके हम दोनों काम किया जाएगा। और मैं भी एक विश्वास के तौर पर आज नौकरी छोड़ करके काम कर रहा हूँ सर, और सरकारी नौकरी छोड़ना कम बात नहीं है सर, है ना। तो बस डिसीजन है हमारा, कुछ जान नहीं आ रहा और मेहनत करके हम शुरुआत करिए और अच्छे से हम लोग मिल करके काम करेंगे। यदि सर बढ़िया तो है लेकिन इस बिजनेस को करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, बेगाय में बहुत प्रॉब्लम है। ये भी आपका क्वेश्चन जो है बहुत जायज है सर, आपके पास में समय नहीं है। और आज देखा जाए तो सिर्फ ये आप ही की समस्या नहीं है सर, बल्कि हर एक लोगों की आज ये समस्या होती जा रही है कि समय की, आज का जीवन ऐसा है कि आपके पास में समय जल्दी नहीं रहता है। और जीवन में अगर मैं मानूं तो मेरे हिसाब से पैसे से अगर मूल्यवान चीज जो है वो समय है सर। पैसा हर एक व्यक्ति कमा सकता है लेकिन पैसे के साथ में समय जो है वो जल्दी कोई कमा नहीं पाता है। बहुत कम लोग होते हैं, 1-2% ही ऐसे लोग होते हैं जो पैसे के साथ आज समय भी कमा रहे हैं सर। जी जी, है ना। और आप अगर बोल रहे हैं कि समय नहीं है सर आपके पास में, तो ये बिजनेस आपके लिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि आपको समय चाहिए सर, है ना। समय के लिए इस बिजनेस में काम करना है हमें, है ना। और कोई भी ड्यूटी करते हैं कहीं भी, जब तक आप समय देंगे नहीं तो वहां से हम समय पाएंगे नहीं। ये एक इकलौता बिजनेस है जिससे आपका एक समय आता है, जब आपका टीम बिल्ड हो जाता है उसके बाद आप बिल्कुल भी काम करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पैसे की खुशी होती है सर उससे ज्यादा कहीं खुशी होती है, तो समय की आजादी जिस व्यक्ति के पास में रहता है उससे बहुत खुशी होती है सर। यानी कि आपके पास पैसा है, आप कहीं घूमने के लिए नहीं जा सकते हैं क्योंकि समय नहीं है, और जिनके पास समय है वो जाते भी हैं और वहाँ वो रहते भी हैं, फिर भी उनका लगातार उनके टीम की वजह से उनका पैसा जो लगातार आते रहता है। मैं अगर बात करूँ अपने बारे में तो खास करके मैं जब इस बिजनेस को किया तो मैं अगर देखा जाए तो पैसे के लिए खास करके नहीं किया सर। मैं चूंकि सरकारी फौज में नौकरी कर रहा था CISF में, मैं जो है इस बिजनेस को समय के लिए सर किया हूँ और समय मेरे हिसाब से बहुत मूल्यवान है सर। तो आपके पास अगर समय नहीं है सर तो ये एक बिजनेस है, एक मौका है आपके पास में कि आप आगे चल करके समय, आप अभी तक नौकरी कर रहे हैं सर और आप अभी तक समय नहीं कमा पाए हैं तो क्या गारंटी है कि आप रिटायरमेंट कोई व्यक्ति अगर हो रहा है तो वही लास्ट दिन तक उसे काम करना पड़ रहा लेकिन समय नहीं मिल रहा है ना। और जब समय मिलता है रिटायरमेंट के बाद तो उसका शरीर काम नहीं करता है सर, है ना। और जीवन एक बार मिला है सर, समय मूल्यवान है, तो अभी से 2-3 साल मेहनत करके सर जल्दी से हम लोग अच्छा से कर लिया जाए और आगे अपने जीवन का 30-35 साल 40 साल समय की आजादी हम लोग कर लिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा सर। तो बढ़िया है सर, और स्टार्ट करिए, बहुत अच्छा बिजनेस है और समय की आजादी यहाँ पर बढ़िया तो है सर, लेकिन दो बनाने वाला है सर, ये कैन सिस्टम है तो इसमें दो हम नहीं बना पाएंगे सर। देखिए सर, अगर आप माने तो ये कैन सिस्टम भी आप मान सकते हैं और मेरे हिसाब से अगर माने तो ये एक परिवार का परिवार सिस्टम भी मान सकते हैं सर, है ना। मैं तो इसे परिवार सिस्टम मानता हूँ। परिवार सिस्टम का मतलब ये होता है सर कि हमारे दादाजी थे, फिर उनके माध्यम से हमारे पापा जी हुए, हमारे पापा जी के माध्यम से आज हम लोग हुए और आज देखा जाए तो हमारे वजह से और आगे की भी पीढ़ी हो रही है सर। तो ये एक परिवार सिस्टम है, संस्कार सिस्टम भी इसे बोल सकते हैं। जो व्यक्ति संस्कार लेता है उसके संस्कार आगे तक लगातार जाती है सर। और देखा जाए चेन सिस्टम, तो चेन उसे बोलते हैं जो एक कड़ी होती है, और कड़ी में क्या होता है कि अगर एक भी कड़ी कहीं से बीच से टूट गई तो पूरा चेन जो है वो टूट जाता है, जो इस बिजनेस में नहीं है सर।
ये बिजनेस एक्चुअली चैन सिस्टम नहीं है, ये पहले से धारणा बनी आई है कि चैन सिस्टम एक्चुअली ये बिजनेस बाइनरी कंसेप्ट सिस्टम है सर। और ये बिजनेस में क्या होता है कि अगर आप काम कर रहे हैं, कोई व्यक्ति अगर आता है, अगर बीच में कोई व्यक्ति नहीं भी काम करता है सर, तो आपका काम ऐसा नहीं है कि आपको रुक जाता है, आपके नीचे उसके नीचे वाला जो व्यक्ति है अगर वो काम करता है फिर भी आपको रिफरल कमीशन आता है। यानी कि अगर देखा जाए तो एक पूरे तरीके से मतलब बिल्कुल भी एक चेन सिस्टम है, ये बाइनरी कंसेप्ट सिस्टम है ना। और देखा जाए दो बनाने का, तो हम बनाने वाले कौन होते हैं सर, हम सिर्फ जानकारी देना है। और बहुत सारे लोग हैं जो आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, वो लोग आना शुरू कर देंगे सर, बनाने वाला तो देखिए सर भगवान है ना, हम लोग तो सिर्फ जानकारी देने वाले हैं। और दो व्यक्ति को, एक मुर्दा भी अगर मैं बात करूं सर, तो अपने साथ में चार लोगों को मरने के बाद भी नदी तक लेकर के जाता है सर, और हम लोग तो जिंदा है तो सर चार क्या, हम लोग 40,000 भी हम लोग लेकर के जाएंगे सर, हम अपने आप में कम नहीं है ना। और दो व्यक्ति यहाँ बताने के, हमारे हमारा सिर्फ काम है लोगों को बताना, और लोग ही डिसाइड करेंगे कि किनको पैसा कमाना है, जीवन में इतिहास रचना है। ऐसे ऐसे लोग आपको मिलते चले जाएंगे, और मैं आपको बता दूं कि कौन व्यक्ति कैसा मिल जाएगा आपको मालूम भी नहीं है, खाली आपको जानकारी देना है। एक ताक के पत्ते में 52 पत्ते होते हैं सर ताक में, लेकिन उसमें 4 इक्का भी होता है सर, है ना। तो कौन व्यक्ति मिल जाएगा इक्का की तरह जो जो आपका काम आगे बढ़ा देगा और वैसा हो जाएगा, है ना। सिर्फ पीछे रहने से 1 से 2 साल 3 साल, और ऐसे भी मैंने व्यक्ति देखा है जो 1 साल में सिर्फ 2 व्यक्ति उनके साथ आए, लेकिन दूसरे साल में उनका बहुत बड़ा नेटवर्क भी हुआ, ऐसे लोग भी आए हुए हैं, है ना। तो कोई जरूरी नहीं है। और अच्छा देखा जाए कि हमारे परिवार में अगर पूर्वजों में देखा जाए तो जिसका भी शादी हुआ तो लोगों का बच्चा हुआ, और हमारा भी बच्चा हो रहा है, हमारे बाद में हमारे बच्चे होंगे उनका भी बच्चा होगा, यानी ये प्रक्रिया सब चलते ही रहेगी। और हर एक व्यक्ति जो आपके नीचे में जब आएगा, बस उसकी सिर्फ थोड़ी सी मदद कर देनी है, तो वो अपने आप में सर होने लगेगा, है ना। तो अभी ये नहीं सोचना है कि आगे कौन व्यक्ति आएगा कौन व्यक्ति नहीं आएगा, आप शुरुआत करिएगा तो लोगों का आना। एक कहावत भी आप सुने होंगे सर अमिताभ बच्चन की, कि जहां मैं लगता हूँ बस लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। तो जहां आप लगेगा सर वहां से आपका लाइन शुरुआत हो जाएगा। मैं आपके साथ में हूँ, और आप अगर पसीना बहाएंगे मैं आपके साथ में खून बहाने के लिए तैयार हूँ सर। बढ़िया सर, और आप दमदार लग रहे हैं देखने में। बढ़िया तो है सर, लेकिन इतना पैसा कहाँ से देती है कंपनी। देखिए सर, एक नॉर्मल सा आप एग्जाम्पल देते हैं, और ये छोटी हूँ बड़ी बात मैं नहीं बोल रहा हूँ सर। कंपनी जो है सबसे पहली बात कि अपने घर से किसी को भी पैसा नहीं दे रही है, सबसे मेन चीज है ना। कंपनी की भी बात मैं नहीं करता हूँ, आप दिल्ली में मेट्रो का ही आप बात कर लें, या किसी भी बड़े बड़े दुकान के मालिक की अगर बात कर रहे हैं, उसके पास में अगर कुछ लोग काम कर रहे हैं, उस मकान मालिक के या उस दुकान के मालिक के पास में जो लोग काम कर रहे हैं, उस जो वहाँ मजदूर काम कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनके वजह से उस दुकान के मालिक को बहुत बड़ा फायदा मिलता है, और उस बड़े फायदे में से उन कर्मचारियों को कुछ कुछ इनकम जो है वो मिल जाता है सर। क्या मैं सही बोला सर? ऐसे ही होता है सर। तो उनको पैसा मिलता है सर, लेकिन यही है कि इस बिजनेस में भी हम लोग जो काम करते हैं इस कंपनी के द्वारा, बहुत सारे प्रोडक्ट जो है लगातार कस्टमर को डायरेक्ट कंपनी टू कस्टमर ये जा रहा है, उससे जो भी इनकम हो रहा है कंपनी को, उसका जो भी हम लोग को बेनिफिट बन रहा है, रिफरल कमीशन बन रहा है, वो लोग इस बिजनेस में जो लोग काम कर रहे हैं उनको फायदा मिलता है सर। हम लोग ये जो प्रोडक्ट ले रहे हैं ये हम लोग मार्केट से भी लेते हैं, कहीं ना कहीं आज से पहले ये आप जो पहले हुए सर, कहीं ना कहीं हम लोग मार्केट से लेते हुए आए हैं, लेकिन इससे हमें पैसा कमाने का मौका नहीं देता है ना, है ना। और देखा जाए तो हम लोग दुकान से भी जो लेते हैं और वो कंपनी से चला होगा तो 30% में चलता है, और आपके पास में यानी कस्टमर के पास आते आते वो 100% में हो जाता है। बीच का जो 60-70% है ये बीच के कुछ लोगों को बढ़ जाता है पैसा, जैसे डीएलएफ एजेंट को, स्टॉकिस्ट को, होलसेलर को, रिटेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, डीलर को। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में एडवर्टाइजमेंट में और ट्रांसपोर्टेशन में भी पैसा लगते हैं सर। बाकी जो कंपनी के कर्मचारी गण होते हैं, मैनेजर होते हैं, सबको पैसा जाता है, लेकिन देता खाली एक व्यक्ति है सर, और वो होता है हम और आप जो कस्टमर कहलाते हैं, और इसीलिए नाम दिया गया है कर्ज से मरने वाला कस्टमर।
है ना। और इसीलिए कस्टमर जो है ज्यादा अमीर नहीं हो पाता है, लोग जो है वो जो लोग बीच में रहते हैं मेडिएटर, वो लोग ज्यादा इनकम करते हैं। और सेम वही चीज बहुत सारे लोग जो है ऑनलाइन मार्केटिंग, जैसे आप अमेजन का नाम सुने होंगे सर, आप जो है स्नैपडील और इसका फ्लिपकार्ट का भी नाम सुने होंगे सर, ऑनलाइन मार्केटिंग, उसमें क्या होता है कि आपको जो जो आपको जो सामान पहुंचाता है वो हो सकता है आप ऑनलाइन मार्केटिंग के द्वारा कुछ सस्ता मिल जाए, और इसीलिए लोग लेते हैं कि कुछ सस्ता मिल जाता है वहां से, लेकिन वहां से आपका और उस ऑनलाइन मार्केटिंग का रिश्ता जो है वो खत्म हो जाता है सर। अगर इस बिजनेस की बात करूं मैं, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग की मैं बात करूं, तो इस बिजनेस में आपने सिर्फ लाइफ में वन टाइम एक बार पैसा देते हैं और उसका हमें सामान मिल जाता है, और इस कंपनी के साथ में सदियों तक या आपके पूरे जीवन तक इसका रिश्ता जो है वो जुड़ जाता है सर। मैं आपके सामने प्रत्यक्ष एग्जाम्पल हूँ सर, मैं आज इस बिजनेस के माध्यम से 1,00,000 रुपया आज इस बिजनेस के माध्यम से इनकम कर रहा हूँ, और मेरा आज रिश्ता जुड़ गया है, तभी मैं हर एक महीने इतना कमा रहा हूँ सर, है ना। तो मैं बहुत धन्यवाद हूँ भगवान का जिन्होंने ऐसा एक बिजनेस अवसर दिया, नहीं तो मैं एक आम आदमी की जीवन जो जी रहा था, सिपाही की नौकरी कर रहा था, मेरे सामने एक ऐसा रास्ता नहीं था जहाँ से मैं कुछ कर पाऊँ। तो एक रास्ता मिला है और मुझे अपने आप पे, इस बिजनेस पे, कंपनी पे, डायरेक्टर पे, अपने अपलाइन पे, अपनी टीम पे विश्वास है, जो मैं बहुत तेजी से इस बिजनेस में काम करके दिखाऊंगा। और आप अगर आते हैं सर, देखिए मैं तो डायमंड बनूंगा, और मेरे साथ में अगर आप आते हैं सर तो आपको भी पक्का डायमंड बना के रहूंगा, बस खाली सिस्टम को फॉलो करना है और बात सिर्फ माननी पड़ेगी सर। तो बढ़िया है और शुरुआत करिए सर। बढ़िया तो है सर, लेकिन प्रोडक्ट थोड़ा महंगे लग रहे हैं। देखिए सर, एक्चुअली मैं बात करूँ तो प्रोडक्ट आज के जमाने में महंगे नहीं है, हमारा जेब जो है वो हल्का रहता है सर, यानी हमारा इनकम लेवल जो है वो बहुत कम रहता है सर। मैं अगर बात करूँ आपकी, मैं जब ड्यूटी कर रहा था तो मेरी इनकम उस समय मेरे महीने का 25,000 रुपया हुआ करता था सर, और हम मार्केट में जाते थे और वहाँ मार्केट में जो है अमरुद भी मिलता था 20 रुपया किलो, और 160 रुपया किलो सेब भी मिलता था सर। एक्चुअली वो सेब बहुत महंगा नहीं था, लेने वाले बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख उनका मंथली इनकम था, वो लोग लिया करते थे, वहीं से सेब लेते थे, लेकिन मेरा इनकम यानी मेरा जेब हल्का था, इसीलिए मैं वहां पे अमरूद लेता था। और आप मुझे उस तरह पूछते तो मैं जरूर बताता कि सेब जो है वो बहुत महंगे हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से वो महंगे हैं, क्योंकि मेरा जेब वो हल्का है सर। एक्चुअली ये प्रोडक्ट अपने आप में ब्रांड है सर जी, और जहाँ कभी भी आप ब्रांड का नाम आता है, आप इस बिजनेस में विमल का नाम सुनेंगे ब्रांड है, रिबोक का नाम सुनेंगे ब्रांड है, फिलिप्स का नाम सुनेंगे ब्रांड है सर, अपने आप में ग्रैसिन अपने आप में ब्रांड है। और ब्रांड एक बार, कहा जाता है ना कि नॉर्मल चीज बार बार और ब्रांडेड चीज एक बार, और एक बार लेने से आपको एक तो ब्रांडेड सामान भी मिल जा रहा है सर जी। और अगर मैं देखूं इसके रेट की तो मैंने भी पता किया है, और इसका ब्रांड बहुत अच्छा है सर, है ना। विमल का अगर एक सूट लेंथ लेते हैं मार्केट से तो कोई 3,000, कोई 4,000, कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 20,000, अलग अलग उसका रेंज है सर, है ना। लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से कम वाला भी देखा जाए तो 2 सूट लेंथ का 7,872 रुपया है सर, जो अगर मार्केट में लेते हैं तो कम से कम 8 से 10 हजार पड़ता है, और ये तो हम पैसा लेते हैं उसका सामान मिल जाता है, हो सकता है कि अभी सूट लेंथ आपके यूज में भी ना आए सर, लेकिन हमें इस बिजनेस से पैसा कमाने का एक मौका मिलता है सर। और मान लीजिए 7,872 की अगर मैं बात करूँ, ये जीरो इन्वेस्टमेंट में आपका बिजनेस शुरुआत हो रहा है सर, ऐसा कौन सा बिजनेस होगा जो आपको इतना में 7-8 हजार रुपया लगाने में और महीने का आप 8,00,000 रुपया कमा सकते हैं, ऐसा नहीं बिजनेस कोई है बिल्कुल सर। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, अगर चाय पीने की बात करूँ तो चाय की भी अगर एक गुमटी खोला जाए सर तो उसमें भी बहुत सारा इनकम लग जाएगा, एक आलू का ठेला भी अगर खोला जाए तो उसमें भी बहुत सारा इनकम लगेगा। बस यही है कि इस बिजनेस को एक बार शुरुआत करना है, और मैं बोला कि जेब हल्की होती है सर, है ना। तो ब्रांडेड चीजें अगर उस स्तर से देखेंगे तो उसका कोई कुछ भी महंगा नहीं है, और एक बार लेकर के क्योंकि शुरुआत करना मेन बिजनेस के लिए हम लोग करते हैं सर, तो बिजनेस को लेकर के शुरुआत करिए, और मैं आपके साथ में हूँ मिल करके, और हम लोग अच्छे से सर काम किया जाएगा। और अगर कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं सर, नहीं तो अच्छा है, और आप हमारे साथ में बिजनेस को शुरुआत करिए सर। और मैं देखा हूँ कि जो व्यक्ति सवाल करता था, आपने अभी तक सवाल किया है, मैंने ये भी देखा है बिजनेस में कि जो व्यक्ति सवाल किया है
वही आदमी काम किया है और वही आदमी इतिहास रचा। मैं आपके सामने एग्जाम्पल हूँ कि मैं इस बिजनेस के प्रति बहुत सवाल करता था। मैं आपको बता दूँ, जल्दी किसी से बताता नहीं हूँ, मैं इस बिजनेस को लेकर के बहुत निगेटिव भी था, क्योंकि मैं थोड़ा फौज में था तो अपने आप में गर्व होता था कि मैं फौज में बात नहीं मानता था, तो मैं विश्वास नहीं करता था, मैं निगेटिव था और मैं जो भी मेरे अंदर में था, मैं सवाल ज्यादा करता था, वो आज मैं आप में देख रहा हूँ कि आप भी सवाल ज्यादा करें। और मैं देखता हूँ कि जो व्यक्ति सवाल करता है वही आदमी जो है शुरुआत करता है, और जिस व्यक्ति को करना रहता है, काम करना रहता है, इसका इनकम करना रहता है, पैसा कमाना रहता है, माँ बाप की सेवा करना रहता है, वही व्यक्ति सवाल करते हैं। और जब उस सवालों का जवाब जब पा लेते हैं सर, तो वो लोग बिल्कुल शुरुआत करते हैं। अगर और कुछ आपके पास में सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं सर। नहीं सर, बढ़िया है और बहुत दमदार विषय का आपको बताने को लग रहा है, तो कैसे इसको शुरुआत किया है सर? बिल्कुल सर, मैं आपको बताता हूँ। बहुत बढ़िया सर, आपको बधाई हो इस बिजनेस का। ये एक सिस्टम का फॉर्म है, जो हमें सिस्टम के तरफ से ये फॉर्म आता है और इसे भर के ही हम बिजनेस की शुरुआत करते हैं सर, ठीक है ना? और इसे भर करके ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, एक्चुअली इसे सीनियरिटी फॉर्म या डाटा फॉर्म भी बोलते हैं, इसे भरने के बाद में आपको सीनियर बनने का मौका मिलता है सर। और ये फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट आता है, इसका एक भी पैसा लगता नहीं है सर, ठीक है ना? और इसे भर करके, और इसमें जो नाम है वो आपके खाते में जो स्पेलिंग होता है सर, वो नाम का सही सही स्पेलिंग कैपिटल लेटर में वो लिखना रहता सर, और इसे भर करके आप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से अगर देखा जाए सर, तो आप बिजनेस में ज्यादा पैसा लगाइए मत, आप मुझे बिजनेसमैन की तरह नहीं, आप मुझे एक दोस्त की तरह देखिए। सबसे कम वाला, और मैं तो मानता हूँ कि सबसे कम का 7,872 का है, उसे ही लेकर के आप शुरुआत करिए। बाकी एक और प्रोडक्ट है विमल का, ही है 9,270 का, जिसमें 4 शर्ट 4 पैंट और 2 सूट विमल का आपको मिलता है, उसे भी लेकर के आप शुरुआत कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इस बिजनेस को लगाइए कम, पैसा कम लगाइए और कमाना ज्यादा है, इस हिसाब से उद्देश्य से हम लोग को काम करना है। तो सबसे कम वाला ले करके और इसमें आप भर दीजिए, शुरुआत करिए। और सिस्टम को चलाने के लिए सिस्टम के तरफ से ही ये एक सिस्टम का विजुअलाइजेशन का, जिसे नॉलेज पैक बोलते हैं, एक बुक आता है सर। और इस बुक में, इस बुक को इसलिए भी दिया जाता है कि आपके अंदर क्या शक्तियां हैं, आप क्या हद तक कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, आपके जीवन में आप कितना आगे तक जा सकते हैं, इसके बारे में आपके अंदर क्या क्या शक्ति छिपी हुई है सर, ये सारी चीज इस विजुअलाइजेशन बुक के माध्यम से आपको मालूम पड़ सकता है। और एक सीढ़ी आता है जिसका नाम है स्प्रिंग ऑफ इंस्पिरेशन, श्री जितेंद्र आर्या साहब क्या है, और ये गुजरात से बिलोंग करते हैं। तो इसे सुन करके आपके मन में बहुत अच्छे अच्छे विचार आएंगे और कैसे आप बड़ा आदमी बन सकते हैं, इसके बारे में सफल एक मंत्र दिया गया है सर। तो ये तो सिस्टम के तरफ से है, जिसका आपको अगर देखा जाए तो मार्केट से अगर लेते हैं तो बुक 130 का और ये जो प्रेरणा का झरना है स्प्रिंग ऑफ इंस्पिरेशन, ये सीढ़ी जो है आपको 450 रुपया में आता है, लेकिन टोटल होता है 580 रुपया, लेकिन यहाँ आपको 500 रुपीज में ही यहाँ से आप ले सकते हैं, 80 रुपीज का आपको डिस्काउंट भी मिल जाए सर। तो अच्छी बात है, इसे ले करके और इस फॉर्म को भर करके आप शुरुआत करिए सर, और हम आपके साथ में हैं, मिल करके काम किया जाएगा और बहुत अच्छे से हम लोग सक्सेस होकर के, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हम लोग अच्छे से मिल करके काम किया जाएगा। तो बढ़िया सर, आप शुरुआत करिए सर और अच्छे से हम लोग काम करेंगे। ठीक, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिल करके, और हम लोग मिल करके काम करेंगे। ओके सर, ठीक।